पेट के कीड़े पीने की पेट पे कीड़े बाहर करने की एक ऐसी ड्रिंक बताने जा रहा हूँ जिससे पेट के कीड़े आएंगे बाहर। ये आप देख सकते हो, ये कीड़े हैं, ये धीरे धीरे करके आपके पेट में बनते रहते हैं और ये इस तरीके से पिलाएंगे एक ऐसी ड्रिंक जो पूरे तरीके से बाहर आ जाएंगे। और ये आप देख सकते हो, कीड़ों को ये हटा दिया है। अब मैं आपको वो ड्रिंक बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से, ये आप देख रहे हो इसमें है, ये किस तरीके से बाहर आएंगे, किस तरीके से शरीर के बाहर आएंगे। और पेट के कीड़ों की समस्या केवल बच्चों में ही नहीं होती, आमतौर पर धारणा है कि बच्चों में होती है, ऐसा नहीं है। कल हमारे पास 61 साल की एक लेडी आई थी, उनको भी पेट में कीड़े की समस्या थी। आपको लक्षण कैसे पता चलते हैं कि आपको बार बार भूख लगेगी, खाना शरीर में नहीं लगेगा, या तो बहुत ज़्यादा पतले होते जाएंगे या पेट एकदम से बाहर आएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, गुस्सा करने लगते हैं, उनका खाना नहीं लगता शरीर में, बार बार पेट पे हाथ लगाते हैं या अपने एनस पे लैट्रिन के रास्ते पे हाथ लगाते हैं, तो वो सब जो दिक्कतें हैं। अगर बड़ों में हम बात करें तो एनीमिया की दिक्कत आ जाएगी, दमा की, अस्थमा की दिक्कत आ जाएगी, ऐसी तमाम दिक्कतें आएंगी, बार बार बुखार आएगा। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं वो आपके पेट के कीड़ों से जुड़ी हुई हैं। तो इनको कैसे हटाएंगे, ये आप देख सकते हैं, हमने पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे, मैं ड्रिंक क्या करनी है वो बताऊंगा, उसके साथ में बाकी जो दूसरी चीज़ है वो भी बताता हूँ कि आपने कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसी चटनी बताने जा रहा हूँ कि जिससे कि आपके पेट के कीड़े तुरंत बाहर आएंगे इसको लगातार खाने से। देखिए, ये हमने यहाँ पर लिया है पुदीना, ये पुदीना आप देख सकते हो, हमने इसको पीसा हुआ है, इसके साथ नींबू है और उसके अलावा यह काली मिर्च का पाउडर। हमने क्या करना है कि इस पुदीना को इस तरीके से, आप किसी दूसरी चीज़ से भी कर सकते हो, आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो, ये जो पुदीना के पत्ते हैं ये डालने हैं, इसके अलावा 4-5 काली मिर्च का पाउडर आपने डालना है। आप काली मिर्च भी डायरेक्ट डाल के पीस सकते हैं या पाउडर आप ले सकते हैं। इसके अलावा डालना है थोड़ा सा नींबू, इस तरीके से आपने नींबू के कुछ बूंद डाल देने और इसको पीस के आपस में मिला लेना है। तो ये जो चटनी तैयार हुई है ये आपने सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट एक एक चम्मच खानी है। ये चटनी क्या करेगी कि आपके पेट से कीड़ों को बाहर निकालेगी। आपके पेट से जो कीड़े हैं, ये जो आप देख रहे हो जो कीड़े हैं, ये आपके पेट से बाहर निकालेगी ये चटनी। इसके अलावा जब आप ये सुबह खाली पेट चटनी खा लेनी है, फिर आपने लेने हैं गोल वाले ये देसी टमाटर। ये गोल टमाटर है, देसी टमाटर है, आपने क्या करना है इनको काटना है इस तरीके से, गोल गोल आपने काट के इस पर काला नमक डाल के खाना है। ये आप देख सकते हो, ये काला नमक है, ऐसे करके डाल के। ये आप अगर डेली 2 से 4 टमाटर, अगर आप 2 टमाटर खा सकते हैं ठीक, जैसे छोटे बच्चे हैं वो 2 टमाटर से ज़्यादा नहीं खा सकते, अगर बड़े हैं तो 4 टमाटर तक खा सकते हैं। अगर आप इसका नाश्ता करोगे तो पेट से कीड़े आपके बाहर आएंगे। आप देखते हो पानी उबल गया है, इस पानी को हमने इसमें क्या करना है, करीब 1 चम्मच के आसपास जो है अजवाइन ये डाल देनी है। इसका क्या यूज है, कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, ये टमाटर है, इसको हमें खिला देना है सुबह नाश्ते में इस तरीके से। अगर रेगुलर टमाटर खाएंगे, सुबह सुबह खाएंगे, तो आपके जो कीड़े हैं वो बाहर आएंगे। अब ये चटनी का मैंने प्रयोग आपको बताया कि ये चटनी आपने क्या करनी है, शाम को और सुबह खाली पेट खानी है। फिर ये ड्रिंक का प्रयोग बताऊंगा, ये हमने पानी में डाल के छोड़ दिया 1 चम्मच अजवाइन को, ये कैसे तैयार होगी, इसका किस तरीके से प्रयोग करना है ये मैं बताऊंगा। आपने ये लक्षण जरूर ध्यान रखने हैं कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके काले घेरे आने लगते हैं, वो खाते रहते हैं, पेट एकदम से एक थोड़ा छोटा सा पेट ही बाहर निकल आता है, तो इस तरीके के लक्षण आपने ध्यान रखने हैं। कई सारे लोग हैं जो खाना खाते हैं शरीर में नहीं लगता है, एनीमिया की दिक्कत आ जाती है, तो इन सारी दिक्कतों को आपने ध्यान में रखते हुए ये करना है। तो ये चटनी, टमाटर का प्रयोग, इसके अलावा एक मैं प्रयोग और बताने जा रहा हूँ कि जो जैसे कई जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ना कीड़े काटते हैं एनस के रास्ते पे, लैट्रिन के रास्ते पे, तो आपने क्या करना है, छोटी सी रुई लेनी है, उसको क्या करना है, सरसों के तेल में ऐसे डिप करना है और डिप करने के बाद उसको निचोड़ के तो बच्चों के एनएस पे शिफ्ट कर देना है। उस वक्त ये ध्यान रखना है कि वो फ्रेश हो चुके हो, उनको बार बार पोटी नहीं आ रही हो, दस्त वगैरह ना लगे हो। ये अगर आप वहाँ पे लगा दोगे तो क्या होगा कि उनके जो कीड़े काटने की प्रोसेस और कीड़े जो परेशान कर रहे हैं वो करना बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हो, ये जो ड्रिंक है हमने क्या किया था कि ये अजवाइन के को गर्म पानी में डाल दिया था, अब इसको हमें छानना है। ये ड्रिंक हमारी तैयार हो गई है और उसको जिनको भी कीड़ों की समस्या है, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई हैं, उनको पिला देना है। गर्म हो तो धीरे धीरे पीना, ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये ड्रिंक घर में बताते वक्त आपने 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच अजवाइन को 12 बजे के आसपास डाल देना है और रात को सोने से पहले आपने उसको पीना है।
तो और रात को सोने से पहले आपने दोबारा गर्म नहीं करना है, केवल जो सुबह था उसी को आप छान के पी सकते हो, या अजवाइन को भी अगर आप खा जाओगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मेरा नाम मयंक पोरवाल है, मुझसे संपर्क करने के लिए आप कन्नापला से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।